हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को कहा कि शिवसेना चाहे कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन नागपुर मुंबई समृद्धि सुपर एक्सप्रेसवे परियोजना से उनका नाम नहीं मिटा सकती और इस परियोजना में उनके योगदान को नजरअंदाज नहीं कर सकती। परियोजना का श्रेय लेते हुए उन्होंने कहा कि शिवसेना नेता उनका नाम नहीं मिटा सकते, क्योंकि नागपुर मुंबई समृद्धि सुपर एक्सप्रेसवे दरअसल उन्हीं की सोच है। इस एक्सप्रेसवे का आइडिया मेरे दिमाग में पिछले 20 सालों से ज्यादा समय से था। जब मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना तो मैंने इस सोच का क्रियान्वयन किया। फडणवीस ने यह भी कहा कि उन्हें आज खुशी है कि जिन लोगों ने कभी इस परियोजना का विरोध किया था, वे अब इसका उद्घाटन करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यदि इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन इसके कार्य पूरी तरह से संपन्न हो जाने के बाद हो तो इससे यात्रियों और जनता को सुविधा होगी। उन्होंने सुझाव देते हुए कहा, एक्सप्रेसवे को आधिकारिक तौर पर हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के रूप में जाना जाता है। यह 701 किलोमीटर लंबा मार्ग है जो 10 जिलों 26 तहसीलों और लगभग 392 गांव को जोड़ेगा। श्री राजपूत करणी सेना के पदाधिकारी व कार्यकर्ता ने श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के पुण्यतिथि पर उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। इस अवसर पर करणी सेना के जिला अध्यक्ष प्रमोद सिंह ठाकुर, शहर अध्यक्ष संदीप सिंह, हिंगना विधानसभा के अध्यक्ष सुष्मित सिंह राजपूत, वाड़ी के अध्यक्ष मुकेश सिंह, प्रवीण सिंह, पुष्कर सिंह राजपूत, नीरज सिंह, ओम तिवस्कर, सनी सिंह राजपूत, ऋतुराज सिंह, देवेंद्र सिंह, ऋतिक सिंह, कृष्णा सिंह, दुर्गेश सिंह आदि उपस्थित थे। झूलेलाल देव जयंती उत्सव के उपलक्ष्य में श्रद्धालुओं द्वारा विश्व कल्याण के लिए महाआरती पूजा की गई। अर्जुनदास जग्यासी के मार्गदर्शन में स्कूटर रैली का स्वागत किया गया। भारतीय सिंधु सभा द्वारा निकाली गई भव्य स्कूटर रैली पर पुष्प वर्षा कर जयकारे लगाए गए। साई मंदिर रोड पर स्थित झूलेलाल मंदिर के परिसर में भव्य आयोजन किया गया था। इस अवसर पर परमानंद विधानी, शंकरलाल मूलचंदानी, अनिल खियानी, तुलसीदास आलवानी, नरेश नैनानी, राजकुमार सोनी, ज्ञानचंद वासवानी, गोपालदास जानियानी, वासुदेव भक्तानी, दीपक वलेजा, किशोर मोटवानी, महेश कुमार मेघानी, रवि मुल्तानी, राजेश आहुजा, महेश भट्टेजा, उमेश अलवानी, अशोक कुमार सतीजानी, फुलचंद आहुजा, संतोष रोहरा, रवि वाधवानी आदि उपस्थित थे। लोकमंच ज्येष्ठ नागरिक मंडल मालगीनगर एवं शालिनीताई मेघे हॉस्पिटल व रिसर्च सेंटर तथा पूर्व विदर्भ ज्येष्ठ नागरिक मंडल के संयुक्त तत्वावधान में मालगीनगर स्थित शिवाजी पार्क हनुमान मंदिर प्रांगण में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में हृदय रोग, नाक कान गला, अस्थि रोग, नेत्र रोग, शल्य चिकित्सक, ECG, रक्त परीक्षण की निःशुल्क जाँच की गयी एवं दवाइयों का वितरण किया गया। इस शिविर का लाभ परिसर के कई वरिष्ठ नागरिकों ने लिया। शिविर की शुरुआत मंगलाचरण से हुई। इस अवसर पर दक्षिण नागपुर के विधायक मोहन मते, चंद्रकांत आखतकर, रत्नाकर राउत, वामनराव सालवे प्रमुख अतिथियों के रूप में उपस्थित थे। प्रास्ताविक भाषण मंडल के अध्यक्ष रमेश जांगड़े ने दिया। शिविर का संचालन मंडल के सचिव व कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर दीपक शेंडेकर ने किया। आभार प्रभाकर सव्वालाखे ने माना। शिविर में शालिनीताई मेघे हॉस्पिटल व रिसर्च सेंटर के प्रोफेसर डॉक्टर कामरान शेख, डॉक्टर इकबाल, डॉक्टर कमलेश, डॉक्टर आशुतोष, डॉक्टर मिथुला, अजय ठाकरे, प्रफुल्ल उइके, पल्लवी प्रेरणा, संजय भड़ांगे, विक्की सिंह घारोड़ा ने सेवा प्रदान की। शिविर के सफलतार्थ कैप्टन प्रभाकर विंचूरकर, विजय नौकरकर, नामदेव शिंगने, भास्कर गावंडे, दिलीप गायकवाड़, रमेश साठवने, प्रमोद अंजनकर ने प्रयास किया। शिविर में विनोद चुरड़, पुष्पा गावंडे, रमा रामटेके आदि मान्यवर मुख्य रूप से उपस्थित थे। मेरी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत लेखक कृष्ण कुमार द्विवेदी ने परिणाम शीर्षक के अंतर्गत कोरोना काल में रद्दी बेचने वालों की हालात पर एक विचारणीय लघु कथा रखी। वही डॉक्टर शशिवर्धन शर्मा शैलेश ने अपनी लंबी कहानी सही फैसला के अंतर्गत अनाथालय से गोद लेने की प्रक्रिया की जटिलता व पारिवारिक संघर्ष की अद्भुत कहानी के साथ नारी की बदलते स्वभाव की स्थिति को प्रस्तुत किया। विजय कुमार श्रीवास्तव ने अपने व्यंग्य लेख जब पुस्तकें मुसीबत बन जाती है के माध्यम से आज के लेखकों पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए। नरेंद्र परिहार ने अपनी कहानी अंगड़ाई वक्त की के माध्यम से आज के सामाजिक परिवेश व उसके बदलते स्वरूप के साथ समय रहते नायकों के द्वारा बदलाव की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। वही रविन्द्र देवगरे, शलभ व सुरेखा देवगरे ने भी अपनी अपनी सटीक टिप्पणियों द्वारा कहानियों की समीक्षा प्रस्तुत की। अंत में कार्यक्रम के संचालक व संयोजक डॉक्टर विजय कुमार श्रीवास्तव के साथ सभी लेखकों व श्रोताओं का आभार संस्था की तरफ से नरेंद्र परिहार ने माना।
सिंधी समुदाय के इष्टदेव झूलेलाल का महोत्सव सिर्फ एक मेला नहीं बल्कि भारतीय सिंधु सभा द्वारा नागपुर वासियों को हमारी पुरातन एवं उच्च कोटि सभ्यता के दर्शन कराए जा रहा है। इस आशय के विचार पूर्व मुख्यमंत्री एवं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने दयानंद पार्क जरीपटका में भारतीय सिंधु सभा द्वारा आयोजित मेले में व्यक्त किए। चेट्रीचंड मेले में मंच पर पूर्व पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, पूर्व विधायक मिलिंद माने, भारतीय सिंधु सभा के नागपुर शहर के अध्यक्ष घनश्याम कुकरेजा मुख्य रूप से उपस्थित थे। इष्टदेव झूलेलाल जयंती की एवं मेले की बधाइयां देते हुए फडणवीस ने कहा कि भारतीय सिंधु सभा नागपुर पिछले 37 वर्षों से चेट्रीचंड का मेला मनाती आ रही है। 1979 में चेट्रीचंड के दिवस पर हमारे पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के कर कमलों से भारतीय सिंधु सभा की स्थापना की गई थी। सिंधी समाज के अन्य गणमान्य व्यक्ति दादा झमतमाल वाधवानी, हरिराम समतानी, वासुदेव वलेचा व अन्य वरिष्ठों ने भी इस पुनीत कार्य में उनका साथ दिया था। इन सभी के प्रयासों से सिंचित यह पौधा आज पूरे देश में पेड़ का रूप ले चुका है और आज पूरे देश में इस संगठन की 350 शाखाएं हैं। विकासा की नागपुर शाखा द्वारा सीए छात्रों के लिए बैंक शाखा लेखा परीक्षा पर एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था ताकि उन्हें बैंक शाखा लेखा परीक्षा से संबंधित विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद मिल सके। दरअसल ऑडिट सहायक के रूप में यह एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। नागपुर शाखा के पूर्व अध्यक्ष सीए महेश राठी ने अपने संबोधन में कहा कि केएसपी वैधानिक बैंक शाखा ऑडिट की यूएसपी है, जिसमें के का मतलब नॉलेज, एस का मतलब स्किल और पी का मतलब प्रेजेंटेशन है। बैंक शाखा ऑडिट करते समय अपने ज्ञान और कौशल का प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक है। छात्रों को नवीनतम आरबीआई सर्कुलर, आईसीएआई गाइडेंस नोट्स और नवीनतम अधिसूचनाओं के साथ खुद को अपडेट करना चाहिए। ज्ञान प्राप्त करने का एक और अच्छा माध्यम इस तरह के सेमिनार में नियमित रूप से भाग लेना है। ऐसे कार्यों में कौशल, विशेष रूप से संचार कौशल और ज्ञान का उपयोग साथ साथ होता है। सबको पता होना चाहिए कि अपने ज्ञान को प्रभावी ढंग से कैसे संप्रेषित किया जाए। प्रेजेंटेशन का मतलब है कि बैंक ब्रांच ऑडिट के कार्यशील रहते हुए किसी को खुद को ऑडिटर, ब्रांच मैनेजर आदि वरिष्ठ अधिकारियों के सामने कैसे बर्ताव करना चाहिए। OCW की 2400 घंटे और सातों दिन जलापूर्ति की विफलता के कारण गर्मी की शुरुआत से ही नागपुर में नागरिकों को पिछले कई दिनों से पानी के संकट का सामना करना पड़ रहा है। इस जल संकट का अभी तक कोई हल न निकाले जाने तथा नागरिकों की परेशानियों को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों ने मनपा आयुक्त सहित अन्य अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर नागरिकों की समस्या से अवगत कराकर समस्या का तत्काल निराकरण करने की मांग की। बसपा पदाधिकारियों ने जल संकट से पीड़ित नागरिकों के साथ अतिरिक्त मनपा आयुक्त राम जोशी से मुलाकात कर समस्या की गंभीरता के बारे में बताया। इसके पश्चात मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी से भेंट कर प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने उन्हें भी जल संकट से उत्पन्न स्थिति की जानकारी दी। उसके बाद मनपा आयुक्त ने बसपा कार्यकर्ताओं को जल परियोजना की कार्यपालक अभियंता डॉक्टर श्वेता बैनर्जी से मुलाकात करने का निर्देश दिया। प्रतिनिधिमंडल को डॉक्टर बैनर्जी ने इस समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल में बहुजन समाज पार्टी के मध्य नागपुर के अध्यक्ष प्रवीण पाटिल, उत्तर नागपुर के अध्यक्ष जगदीश गजबीये, दक्षिण पश्चिम नागपुर के अध्यक्ष ओपुल तामगाड़गे आदि प्रमुख पदाधिकारीगण उपस्थित थे। श्री राजपूत करणी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना के नेतृत्व में श्री राजपूत करणी सेना के पदाधिकारीगण हाल ही में विभिन्न पदों पर नियुक्त किए गए। श्री राजपूत करणी सेना के नागपुर जिलाध्यक्ष प्रमोद सिंह द्वारा आयोजित कार्यक्रम इस कार्यक्रम में नागपुर में अनेक पदाधिकारियों को विविध जिम्मेदारियाँ दी गई। सुष्मित सिंह राजपूत को हिंगना विधानसभा अध्यक्ष एवं मुकेश सिंह को वाड़ी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सुष्मित सिंह राजपूत विगत 5 साल से श्री राजपूत करणी सेना के लिए निस्वार्थ कार्य कर रहे थे। इस कार्यक्रम का शुभारंभ प्रवीण सिंह ने किया। जिलाध्यक्ष प्रमोद सिंह, शहर अध्यक्ष संदीप सिंह द्वारा कई समाज सेवी सदस्यों को विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया। मुख्य पदाधिकारी बने पुष्पराज सिंह, ऋतुराज सिंह, देवेंद्र सिंह, ऋतिक सिंह, कृष्णा सिंह, दुर्गेश सिंह ने समाज एवं देश के प्रति निस्वार्थ सेवा करने का वचन दिया। मान्यवरों का आभार पुष्पराज सिंह ने माना। यातायात पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुल मिलाकर 3,427 वाहन चालकों पर कार्रवाई की और उनसे कुल मिलाकर 1,73,000 रुपये का जुर्माना वसूला। इसी तरह मुंबई शराबबंदी अधिनियम के अंतर्गत 3 मामलों में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 12,000 रुपये का सामान जब्त किया गया है।
इसके अलावा जुआ अधिनियम के अंतर्गत दो मामलों में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 1200 रुपए का जुर्माना वसूला गया। उपरोक्त सभी ऑपरेशन संयुक्त रूप से नागपुर सिटी पुलिस द्वारा किए गए थे। ट्रैफिक पुलिस ने यह आह्वान किया है कि नागरिक वाहन चलाते समय वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज अपने पास रखें। आरटीई प्रवेश प्रक्रिया के तहत सोमवार रात प्रवेश सूची जारी की गई, लेकिन तकनीकी दिक्कतों की वजह से पालकों को बच्चों के नाम देखने को नहीं मिल रहे हैं। पासवर्ड डालने के बाद साइट बंद हो रही है, रिफ्रेश करने के बाद प्रिंट आउट तक नहीं मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, पालकों को मोबाइल पर सिलेक्शन और रिजेक्शन के संदेश तक नहीं आ रहे हैं। आरटीई का ड्रॉ पिछले सप्ताह निकाला गया था। शिक्षा विभाग ने सोमवार को सूची जारी करने की घोषणा की थी, लेकिन दिन भर के इंतजार के बाद भी पालकों को निराशा ही हाथ लगी। रात में सूची जारी हुई, लेकिन इसमें नागपुर जिले के बच्चों के नाम नहीं दिख रहे थे। मंगलवार को सुबह से ही पालक साइट पर सर्च करते रहे, लेकिन परेशानियों का सामना करना पड़ा। पालकों ने बताया कि पासवर्ड डालने के बाद कई बार साइट ही बंद हो रही थी, प्रिंट आउट भी नहीं निकल रहा है। इसी प्रिंट आउट को लेकर स्कूल में जाना है और प्रवेश पक्का कराना है। किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ और किन बच्चों का रिजेक्शन हुआ, इसकी जानकारी पालकों को मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से भेजी जानी थी, लेकिन मंगलवार की शाम तक पालकों को एसएमएस भी नहीं आए। कोरोना महामारी की त्रासदी लगभग खत्म होने के कारण अब नागपुर महानगर पालिका प्रशासन की ओर से चलाए जाने वाले टीकाकरण अभियान में भी कटौती करने का निर्णय लिया गया है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मनपा प्रशासन ने अब सप्ताह में अलग अलग दिन अलग अलग वैक्सीन देने का प्लान तैयार किया है। यहां तक कि पहले संचालित होने वाले 108 वैक्सीनेशन सेंटर्स में भी भारी कटौती की गई। बताया जा रहा है कि अब 3 दिन कोविशील्ड, 2 दिन कोवैक्सीन और 1 दिन कोर्बेवैक्स वैक्सीन के डोज दिए जाएंगे। मनपा की ओर से वैक्सीनेशन अभियान में किए गए बदलाव के अनुसार बुधवार की सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक ही वैक्सीन के डोज दिए जा सकेंगे। सोमवार, मंगलवार और बुधवार को कोविशील्ड, गुरुवार और शुक्रवार को कोवैक्सीन तथा केवल शनिवार को कोर्बेवैक्स वैक्सीन उपलब्ध होगी। जानकारों के अनुसार 12 वर्ष आयु के बच्चों को 15 मार्च से कोर्बेवैक्स वैक्सीन देने का अभियान शुरू किया गया। भविष्य के किसी भी खतरे के लिए तैयार होने का हवाला देते हुए बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू किया गया, किंतु अब 20 दिनों में ही इस अभियान को समेटकर सप्ताह में 1 दिन कर दिया गया। इस बार गर्मी ने हलाकान कर रख दिया है। पारा 40 डिग्री सेल्सियस से कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मौसम विभाग ने भी पारा चढ़ने की संभावना व्यक्त की है। इस महीने लू के थपेड़े भी परेशान करेंगे, इसका स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ना तय है। गर्मी शुरू होते ही अप्रैल में शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अस्पताल में शीत वार्ड तैयार किया जाता है, लेकिन अब तक वार्ड नहीं बनाया गया। वरिष्ठ अधिकारी एसी कूलर की हवा ले रहे हैं और मरीज पंखे के भरोसे ही है। 23 मार्च से 1 अप्रैल के बीच हर वर्ष शीत वार्ड तैयार किया जाता है, लेकिन इस बार गर्मी ज्यादा होने के बाद भी वार्ड नहीं बनाया गया। दरअसल धूप में काम करने वालों को अक्सर उष्माघात का खतरा रहता है। यदि समय पर इलाज न मिले, इससे जान भी जाने का जोखिम बना रहता है। अब तक राज्य में कुछ मरीजों की मौत उष्माघात से भी हुई है। पिछले 3 वर्ष मेडिकल के वार्ड क्रमांक 23 में शीत वार्ड बनाया जा रहा है। अब 4 अप्रैल हो जाने के बाद भी वार्ड की तैयारी नहीं दिख रही है। हाल ही में मनपा मंगलवारी जोन में बाजार निरीक्षक पद पर कार्यरत मिलिंद मेश्राम सेवानिवृत्त हुए। इस अवसर पर मनपा आयुक्त रविंद्र भेलावे, उपायुक्त अशोक पाटिल, उपायुक्त विजय हुमने ने उनका शॉल, श्रीफल व उपहार देकर सत्कार किया। सत्कार समारोह में कर निर्धारक दिनकर उमरेडकर, बाजार अधीक्षक प्रमोद वानखेड़े, श्रीकांत वैद्य, संजय बेड़े, नीलेश वाघुलकर, दिलीप जबलपुरे, स्मिता जांभुलकर, दीपक जांभुलकर ने आगामी जीवन के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। नवरात्र के उपलक्ष्य में मानेवाड़ा बालाजी नगर के शीतला माता मंदिर में संगीतमय श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ महोत्सव का आयोजन जारी है। कथा का समय दोपहर के 3 बजे से शाम के 6:30 बजे तक रखा गया है। भक्तों को कथा का सुंदर सरस रसपान चित्रकूट के भागवत कथाकार योगेश कृष्ण महाराज करवा रहे हैं। मंगलवार को उन्होंने ध्रुव चरित्र व प्रह्लाद चरित्र की कथा का विस्तृत वर्णन किया। उन्होंने कहा कि दोनों चरित्रों से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। ईश्वर के प्रति प्रह्लाद और ध्रुव का इतना समर्पण था कि उनके जीवन में आने वाले कष्ट और कठिनाई भी भक्ति मार्ग से डिगा नहीं पाई। आखिर में भक्त पर कृपा करने के लिए भगवान को स्वयं ही आना पड़ा। भगवान ने जहाँ प्रह्लाद की रक्षा की, वहीं ध्रुव को परम पद देकर अमर कर दिया। हमें भी यदि भगवान को पाना है तो भक्त ध्रुव और प्रह्लाद जैसा समर्पण ईश्वर के प्रति करना होगा। महाराज ने आगे कहा कि भक्तों की रक्षा के लिए भगवान जरूर आते हैं। हर युग में भगवान ने अपने भक्तों की मदद की है। श्रीहरि अपने भक्तों को कभी भी मुसीबत में नहीं देख सकते। भारतीय जन संगठना लेडीज विंग ने महावीर जन्म कल्याणक कार्यक्रम की शुरुआत आशा किरण बालगृह के बच्चों के साथ की।
सुबह 10:30 बजे बालगृह की लड़कियों के लिए मेंस्ट्रुअल हाइनीज और एनीमिया पर डॉक्टर सुमिता जोगड़ ने अवेयरनेस सेशन रखा। डॉक्टर जोगड़ ने महामारी के दौरान कपड़ा नैपकिन का इस्तेमाल कैसे करें, उसकी साफ सफाई कैसे करें, उस समय खान पान कैसा हो, कैसे मिर्च मसाले कम खाए, पतला आहार लेना, योग प्राणायाम करना आदि विषय पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही MBBS स्टूडेंट खुशी तातेड़ ने मेंस्ट्रुअल कप के बारे में लड़कियों को बताया। इस कार्यक्रम में बच्चों के लिए शुद्ध शाकाहारी जैन लजीज व्यंजनों का इंतजाम मनीषा भट्टेवरा ने किया। साथ ही उपाध्यक्ष रानी पारख, वैशाली तातेड़, अखिल दरडा, अवनी बदानी ने आइसक्रीम, फ्रूटी, आम, केक, इन सब खान पान की वस्तुओं की व्यवस्था की। साथ ही एडवोकेट प्रीति राका ने बच्चों में स्टेशनरी का वितरण किया। भावना दुगड़ और स्नेहा जैन ने कामठी के अनाथ आश्रम में लड़कों को उपहार दिए। पूजा तातेड़ ने कुछ बच्चों का कंप्यूटर कोर्स स्पॉन्सर किया और मनीषा भट्टेवारा ने अपना जन्मदिन अनाथ आश्रम की लड़कियों और वहां कार्यरत महिलाओं के साथ बहुत हर्षोल्लास से मनाया। चेटरी चंद के शुभ अवसर पर दयानंद पार्क जरीपटका में सिंधु सेवा दल द्वारा धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन धूमधाम से किया गया। इष्टदेव झूलेलाल की मूर्ति पर डॉक्टर वैद्य व डॉक्टर विंकी रुगवानी ने माल्यार्पण किया। चेटूराम कुकरेजा, अशोक जग्यासी, नंद आसुदानी, अशोक जेसवानी ने इष्टदेव झूलेलाल की आरती का शुभारंभ किया। उसके बाद उपस्थित श्रद्धालुओं में से सभी ने आरती की। सिंधु सेवा दल के अध्यक्ष मोहन मंजानी ने सभी से निवेदन किया कि घर में इष्टदेव झूलेलाल की तस्वीर जरूर लगाएं। चंद्रलाल लालवानी, राजू घोरे, गणेश तरवानी, सुनील मिगलानी ने प्रसाद वितरण का कार्य किया। कार्यक्रम के सफलतार्थ केशवदास वाधवानी, अर्जुनदास झांबा, गोपाल खटवानी, दीपक बहिलानी, ओम प्रकाश गुरबक्षणी, लक्ष्मण आहूजा ने प्रयास किए। किशन हरचंदानी ने सभी का आभार माना। इतवारी क्षेत्र में खरीदारी करने आने वाले और आम नागरिकों को शुद्ध पीने का जल सहजता से उपलब्ध हो, इसी उद्देश्य के साथ ठक्कर परिवार के सहयोग से ठंडे जल के प्याऊ का शुभारंभ पूर्व महापौर दयाशंकर तिवारी व नागपुर सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष पुरुषोत्तम कावले व रोकड़े ज्वेलर्स के संचालक राजेश रोकड़े के शुभ हस्ते किया गया। इस अवसर पर ठक्कर परिवार द्वारा किए जा रहे सेवा कार्य हेतु दयाशंकर तिवारी ने शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का आयोजन एवं संचालन बाला पलसापुरे द्वारा किया गया। कार्यक्रम में विशाल पारेख, पंकज बिखाई, राजेश शाह, कानू भाई ठक्कर, जयप्रकाश पारेख, विजय कुमार पांड्या, राजू हरडे, दिलीप गांधी, महेंद्र पलसापुरे, सुरेश गुप्ता, नीरज जैन, नाना काटोले, रिंकू जैन, विनय जैन, ऋषिकेश खुले, सुमित पिंजरकर, विशाल जैन, रंजन ठक्कर, नितिन इटनकर, राजू गुप्ता, पंकज कुक से संजय सहित क्षेत्र के व्यवसायी उपस्थित थे। नागपुर ग्रामीण RTO में अधिकारी व कर्मचारी द्वारा सरकारी कार्यों में पैसे के लेन देन व भ्रष्टाचार के खिलाफ राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस पार्टी दक्षिण पश्चिम अध्यक्ष विश्वजीत मुन्ना तिवारी ने प्रदेश अध्यक्ष सुनील दादा गमने के नेतृत्व में ये मुद्दा प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचाने की पहल की। रगापा प्रतिनिधि मंडल ने प्रादेशिक परिवहन अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर गुजारिश की कि जल्द से जल्द भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करें, अन्यथा तीव्र आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन सौंपते समय पूर्व विदर्भ राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस अध्यक्ष आशीष अवले, राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष रवि पराते, प्रणव महिस्कर, दीपक उपाध्याय, यश चंदन मावने, आदित्य पंचबुद्धे, अनुराग डोफे, रोशन झा, शिवम द्विवेदी, ओम बुलबुले, पंकज यादव, निखिल साफेकर, राहुल मिश्राम आदि उपस्थित थे। श्री लोहाना सेवा मंडल के हिवरी नगर स्थित श्री छोटेलाल माधव जी सूचक भवन में श्री दरियालाल देव जयंती महोत्सव उत्साहपूर्वक वातावरण में मनाया गया। सर्वप्रथम श्री दरियालाल देव की पूजा अर्चना पंडित पद्म महाराज जोशी द्वारा विधि पूर्वक कराई गई। इसके पश्चात ज्ञाति गंगा की वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आरती की गई। पूजा आरती के पश्चात महाप्रसाद का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में भक्तों ने महाप्रसाद का लाभ लिया। कार्यक्रम के अंतर्गत श्री जलाराम एवं मंडल एवं श्री बीरबाई महिला मंडल की सखियों ने सुमधुर भजनों की प्रस्तुति की व श्री लोहाना सेवा मंडल एवं साईनाथ ब्लड बैंक के संयुक्त तत्वावधान में ब्लड डोनेशन कैंप व डॉक्टर रश्मि अनिल लाखानी के सौजन्य से स्वर्ण प्राशन शिविर का आयोजन भी किया गया। आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी पूर्व प्रमुखों के मार्गदर्शन में श्री लोहाना सेवा मंडल के सभी पदाधिकारियों, व्यापारी सदस्यों, सहयोगी सदस्यों, महिला समिति के सदस्यों और उनके सहयोगी सदस्यों ने अथक प्रयास किया। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए VKB News। नमस्कार।